अस्सलाम वालेकुम। यह रेसिपी है बैगन भरता, जो कि हम लोग कोकने लोग बहुत बनाते हैं और बहुत शौक से खाते हैं। तो इसे बनाने के लिए एग प्लांट या फिर ब्रिंजल्स का यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो एग प्लांट और ब्रिंजल जो बैगन मिलते हैं वो ऐसे, मतलब जो गांव के ब्रिंजल्स होते हैं वैसे प्रॉपर तो मिलते भी हैं, बट वो गाँव का टेस्ट ही अलग होता है। तो एग बैगन का भरता बनाने के लिए स्पेशली मैं ये वाले बैगन यूज़ करती हूँ। इसको पहले वॉश करके अच्छे से पूरे साइड से, ऑल द साइड्स ग्रीस करना है ऑयल से अच्छे से, ताकि हमें उसको रोस्ट करना है। तो रोस्ट करने के लिए उसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस करेंगे तो प्रॉपर रोस्ट हो जाता है। तो हम लेंगे रोस्ट करने के लिए फ्राई पैन। फ्राई पैन को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और जैसे ही फ्राई पैन गर्म हो हम उसमें एग प्लांट्स डालेंगे। तो थोड़ा फ्राई पैन गर्म हो गया है तो इसमें एग प्लांट्स डाल के हम उसको रोस्ट कर लेते हैं। इसको और फोर साइड्स ऑयल लगा के फिर से ग्रीस करेंगे। मैंने ब्रश के हेल्प से लगाया, आप हाथ के हेल्प से भी लगा सकते हैं। एंड इसको कवर करके रखें। फ्लेम को इतना लो रखना है कि 10 मिनट एक साइड से पकने जाए, 10 मिनट दूसरे साइड से पकने जाए, बिकॉज वो जल्दी जल जाता है एंड अंदर से कच्चा रह जाता है। साइड में मैंने टैमरिंड को भी, इमली को भिगा के रखा था। सो ये दो साइड से हो गया, अभी मैंने थर्ड साइड पे उसको टर्न करा था। सो ये फोर साइड से होने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। और रोस्ट लो फ्लेम पे होता है तो अच्छे से अंदर से पक जाता है। सो आप चेक कर ले, जैसे ही आपको फील होता है कि वो सॉफ्ट हो गया है पूरे चारों साइड से, वैसे इसको निकाल लेंगे। एंड उसे बनाने के लिए लिए है 3 मीडियम साइज ऑनियन डाइस करके एंड 5 ग्रीन चिलीज चॉप। अब इसको थोड़ा सा आप ठंडा होने वेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको अगर वेट नहीं करना है, आपके पास टाइम कम है, तो आप जस्ट पील करने ले सकते हैं ऐसे ही। तो वो रोस्ट होने के बाद उसकी आउटर स्किन ईजिली निकलना चालू हो जाती है। आप देख सकते हैं वो इजीली निकल रही है। तो ऐसे पूरी आउटर स्किन उसकी निकाल लेते हैं। कुछ लोगों को ये ब्रिंजल्स पसंद नहीं आते हैं जो बहुत बड़े होते हैं या बहुत मोटे होते हैं, क्योंकि लोग फील करते हैं कि उसमें सीड्स होते हैं, तो सीड वाले कुछ लोग प्रिफर नहीं करते, बट हम लोग खाते हैं, हम लोग को अच्छा लगता है। और मैं तो यहाँ पे भरता स्पेशली बनाने के लिए मैं यही बैगन यहाँ पे प्रिफर करती हूँ। एंड हमें इतना फील नहीं होता है कि यार सीड्स है या सीड्स मुंह में आ रहे लग रहे हैं, हमें कुछ फील नहीं होता है क्योंकि इतना तो होता है नहीं। और यहाँ पे गांव वाले बैगन तो मिलते हैं नहीं। सेम प्रोसीजर से अगर गांव वाले बैगन का बनाए, जो गांव की बैगन हम बोलते हैं, उसका और टेस्टी बनता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, क्योंकि उसमें टेस्ट ही अलग होता है। तो यहाँ पे जो अवेलेबल होगा वो अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम लोग लेते हैं, बट बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है, बिल्कुल गांव का जो कोकनी लोग बनाते हैं। एंड स्पेशली जो हमारे घर में बनाया जाता है, जो हम लोग की मम्मी लोग, नानी लोग या जो भी बनाते हैं हम लोग के घर में, तो ऐसे बना लेते हैं। सो हम उसको अच्छे से पील कर लेते हैं। पीलिंग वाला पार्ट थोड़ा बड़ा हो गया है क्योंकि मैं पील कर रही हूँ, मैं दिखा रही हूँ, बिकॉज़ ये जो उसका बैगन का जो पील होता है ना, वो बहुत थिक होता है, उसको रोस्ट करने के बाद भी वो थिक होता है। तो अगर हम उसको ले लेते हैं ना, लाइक रोस्ट करने के बाद हम भरते में फिर भी उसको ले लेते हैं, तो वो मुँह को अच्छा टेस्ट नहीं देता है, मतलब थिक सी फीलिंग आती है। सो खाते टाइम सो वो अच्छा नहीं लगता है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। एंड इसीलिए मैं पूरा निकाल के दिखा रही थी। तो उसको जैसे ही पूरा पील हो जाए तो उसका जो अंदर का पल्प है उसको हम अच्छे से मैश कर लेते हैं। आपने स्टार्टिंग में देखा था कि मैंने 3 ब्रिंजल्स लिए थे। 3 ब्रिंजल्स में से फ्राई पैन में सिर्फ 2 ही एडजस्ट हुए थे। सो 2 एडजस्ट होने के बाद में जो थर्ड वाला बचा था उसको मैंने अलग से दूसरे फ्राई पैन में रोस्ट करके लिया था। सो यहाँ पे 2 दिख रहे हैं। तो ये 3 ब्रिंजल्स की क्वांटिटी का मैंने 3 ऑनियंस लिए थे मीडियम साइज़। सो ये थर्ड वाला है
आप जितने ब्रिंजल्स लेंगे वो हिसाब से, आपके हिसाब से आप कितना ऑनियन पसंद करते वो हिसाब से आप ऑनियन ले। बट हम लोग ऐसा प्रिफर करते हैं कि कोई भी सब्ज़ी में जितना अच्छी क्वांटिटी में ऑनियन होता है उतनी अच्छी टेस्ट आती है सब्ज़ी को। सो हम लोग ऑनियन अच्छे से बहुत सारा लेते हैं। सो इसे भी पील करके इसको भी मैश कर लेते हैं एंड बनाना है तीनों का साथ में ही। तो इसे भी उसी में डाल के मैं मैश कर लेती हूँ। अच्छे से आप कोई भी चीज़ से मैश कर सकते हैं। अगर आप हाथ से कंफर्टेबल है तो हाथ से भी कर सकते हैं। आप फोक से कंफर्टेबल है आप फोक से करो। आप जिस भी चीज़ से कंफर्टेबल है उसे मैश, क्योंकि वो अच्छे से रोस्ट हो जाने के बाद वो इतना माशाल्लाह सॉफ्ट हो जाता है अंदर से कि वो इजीली मैश हो जाता है। बट इसको मैश करना है ताकि वो सेपरेट हो जाए और मिक्स करने में खाने में भी वो सेपरेट सेपरेट बाइट्स में सेपरेट मिले, अदरवाइज वो लंबा या थिक ही रह जाएगा उसके जो स्ट्रिंग्स हैं अंदर के वो। सो उसे बनाने के लिए हम फिर से फ्राई पैन में मैंने 4 टेबलस्पून ऑफ ऑयल, जो कुकिंग ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं, उसमें डाल देंगे पहले ही ऑनियन के साथ में चॉप्ड ग्रीन चिलीज। अब हम ऑनियन को फ्राई कर लेते हैं। ये स्टाइल में भरता बनाने के लिए ऑनियन को ब्राउन करना है, ब्राउन गोल्डन ब्राउन करना है, पूरा ब्राउन नहीं करना है। सो सॉल्ट को डालते हैं टेस्ट के हिसाब से। मैंने 1 टीस्पून यूज़ करा था, सो टेस्ट के हिसाब से आप सॉल्ट ऐड करें, उसको दे प्रॉपर मिक्स। सॉल्ट पहले ऐड करें ताकि ऑनियन अच्छे से फ्राई हो जाए, जल्दी फ्राई हो जाए। एंड बाद में इफ़ यू फील के सॉल्ट कम लग रहा है तो आप बाद में ऐड कर सकते हैं। तो मैंने अभी का और बाद में ऐड करा हुआ दोनों कंबाइन करके 1 टीस्पून बोला है, अदरवाइज़ आप बोलेंगे पहले 1 टीस्पून था बाद में और था। तो बाद में नीड के हिसाब से ही डालना है, बिकॉज ब्रिंजल्स में बिल्कुल बिल्कुल भी सॉल्ट नहीं था, बिल्कुल डाला हुआ नहीं था जो मैश्ड है उसमें, सिर्फ ऑनियन में ही है। तो जैसे इतना गोल्डन ब्राउन ऑनियन हो जाए हम मैश ब्रिंजल्स उसमें डाल देते हैं। अब आपको पता है कि ब्रिंजल्स तो ऑलरेडी पके हुए हैं, उसको पकाने की ज़रूरत है नहीं, हम बस उसे मिक्स कर देंगे अच्छे से एंड उसको थोड़ा और फ्राई कर लेंगे। ऑनियन को उसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले। एंड मैं ये ज़्यादा करके प्रिफर करती हूँ फ्राई पैन में ही बनाना, जिसमें ब्रिंजल्स रोस्ट करते उसी को वॉश करके उसी में बनाना, क्योंकि आई पर्सनली फील के फ्राई पैन का जो फ्राई वाला टेस्ट होता है वो अलग होता है एंड किसी पैन में पॉट में बनाया वो अलग होता है। सो मैं फ्राई पैन में बनाना, फ्राई पैन में उसको फ्राई करना ज़्यादा प्रिफर करती हूँ। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि टेस्ट में डिफ़र होता है जब हम पॉट्स या पैन्स चेंज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और सॉल्ट ऐड की थी एज़ पर टेस्ट, क्योंकि मेरे को कम लगा था। फिर उसमें हम ऐड करेंगे जो टैमरिंड को हमने भिगने रखा था उसका पल्प, लाइक 2 टेबलस्पून ऑफ टैमरिंड पल्प, इमलीका पल्प हम उसमें ऐड कर लेते हैं। उसको फिर से अच्छे से प्रॉपर मिक्स करें ताकि वो इमली का जूस पूरे बैगन में मिक्स हो जाए। एंड अब जो लास्ट इंग्रेडिएंट जाएगा वो है चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स। बस इतने ही इंग्रेडिएंट से ये परता बनता है, बट इतना यम्मी एंड टेस्टी बनता है कि आप लोग ट्राई करोगे तो करते ही रह जाओगे एंड खाते ही रह जाओगे। सो ये रेडी है, ट्राई ज़रूर करें एंड बताएं कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब यू ट्यूनिंग परफेक्शन।